SBI PO 2017 प्रीलिम में ये वाली दो पजल्स थी जो हम आज डिस्कस करेंगे। ये पजल्स आर नॉट वेरी टफ, ये बिल्कुल क्लासिक सिंपल स्ट्रेटजी बेस्ड पजल्स हैं। और इनमें वो कह रहा है, फर्स्ट पजल हम उठाते हैं, 8 persons MNOPQRST हैव देयर बर्थडेज ऑन 10th and 27th ऑफ 4 different months, मार्च अप्रैल मई एंड जून। 4 महीने हैं, उनमें 10 या 27 को ही इनके बर्थडेज हो सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 8 possibilities हैं बर्थडेज की, मार्च के 2, अप्रैल के 2, मई के 2 और जून के 2। और यहाँ 8 लोग भी हैं, इन लोगों को हमने एलोकेट करना है इन बर्थडेज के साथ, और फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको हमें सॉल्व करना होगा। तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम इनकी एलोकेशन कर लें, तो क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व किए ही जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप एक ऐसी ग्रिड बना लें। ये ग्रिड क्या है, यहाँ पे 10th मार्च, 27th मार्च, अप्रैल, ये जो सारी पॉसिबल डेट्स हैं वो सारी हमने इन कॉलम्स में हमने बना लिए हैं। और इस साइड हर बंदे के लिए आपने एक रो बना ली है, तो इन कंडीशंस को एक एक बार स्टडी कर लेंगे, जो जो पॉसिबल हुआ वहाँ टिक लगा लेंगे, जो नहीं हुआ उसे क्रॉस कर देंगे, और बाद में हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो बच जाएगा। तो सबसे पहले कह रहा है, MS बर्थडे ऑन 10th of a month हैविंग 31 days। तो 10 तारीख को बर्थडे है और केवल उन्हीं महीनों में है जिनके दिन 31 हैं, तो इनमें से इस ग्रिड में वहाँ वहाँ क्रॉस लगा दीजिए जो जो नहीं हो सकता। तो ये 27 मार्च, 10 अप्रैल, 27 अप्रैल, 27 मई, 10, ये तो हो नहीं सकते, तो केवल मार्च और मई ही ऐसे 2 महीने हैं जो 31 दिनों वाले हैं और उनकी 10 तारीख पे हमने क्रॉस नहीं लगाया। चले आगे, ओनली 1 person हैज अ बर्थडे बिफोर एन। तो एन से पहले केवल एक ही बंदे का बर्थडे है, और ये शर्तीय बात है कि इनमें किसी ना किसी का बर्थडे तो है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन 27 मार्च को हुआ। एन जो है उससे पहले केवल एक ही बंदा है, इसका मतलब एन इस कॉलम में होना चाहिए, तो इस पे टिक लगा लीजिए। और जो बाकी जगह, फिर उसका बर्थडे नहीं हो सकता, तो बाकी जगह पे हमने क्रॉसिंग कर दी। इसके बाद नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एम एंड एन इज 1 less than द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एन एंड क्यू, इसको हम अभी छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट स्कैन में करेंगे। ओ एंड पी वर बॉर्न इन द सेम मंथ हैविंग 30 days बट नॉट इन अप्रैल। वो कह रहा है कि ओ एंड पी दोनों एक ही महीने में बॉर्न हैं और उस महीने के 30 दिन हैं, लेकिन वो अप्रैल नहीं है, तो मार्च में 31 होते हैं या नहीं हो सकता, अप्रैल उसने पहले ही कह दिया कि नहीं होगा, मई में 31 तो वो जून वाले में ही हो सकते हैं, तो हम उसको कहेंगे कि बोथ आर इन जून, और इसलिए जो नहीं हो सकते वो हमने क्रॉस आउट कर दिए। तो ये देखिए, यहाँ यहाँ हमने क्रॉस लगा दिए, ओ आर पी की बात हो रही है, वो जून में हो सकते हैं, तो ये चारों डिब्बे जो हैं इनमें से वो कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट उनका होगा। उसके बाद वो कहता है, आर हैज़ बर्थडे बिफोर एस, आर का बर्थडे एस से पहले है, तो आर का बर्थडे अगर एस से पहले होगा तो आर 10 मार्च को तो हो नहीं सकता, और इसलिए हम इसे क्रॉस कर देते हैं। और एस से पहले है तो ये भी नहीं हो सकता, 10 अप्रैल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि आर का बर्थडे एस के बाद है, तो एस का बर्थडे अगर यहाँ नहीं है तो वो 10 के बाद ये जगह आर की हो नहीं सकती, आर यहाँ भी नहीं हो सकता, पहले भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पहले एस है और एस इस ग्रिड से बाहर तो है नहीं, एस को यहीं कहीं स्टार्ट होना है, तो ये दोनों जगह पे हमने क्रॉस लगा लिए। आगे बताइए, ओनली 3 persons हैव बर्थडेज बिटवीन एन एंड क्यू, एन का बर्थडे यहाँ पे है और क्यू और एन के बीच में 3 बंदों के बर्थडे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यू है वो आपका 27 मई को हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से 1, 2, 3 जगह बीच में हमारे को मिल जाएंगी, तो इसे क्रॉस, इसे टिक कर लीजिए। तो यहाँ टिक लगाने के बाद क्या होगा कि जो जो नहीं हो सकता अब उनको क्रॉस आउट कर दीजिए, हमने ये इसके सारा कॉलम और इसकी सारी रो को क्रॉस आउट कर लिया। अब देखिए, हमारी ग्रिड बनती जा रही है, काफ़ी कम पॉसिबिलिटीज बची हैं और ये सारी सॉल्व हो जाएंगी। ओ वॉज बॉर्न बिफोर पी, ओ पी से पहले बॉर्न था, अब ओ और पी की बात करें तो ये 4 खाने,
अब वो ओ अगर पी से पहले है तो शर्त ये बात है कि ओ 10 जून को ही होगा, तभी पी बाद में हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसको टिक मार दीजिए, और इसको टिक लग गया तो इसके इधर तो हो नहीं सकता वो अगला क्यू पी, तो पी इसमें होगा तो उसे भी टिक मार दीजिए। अब ऐसा करने पे जहां जहां नहीं हो सकता वहां वहां क्रॉसेस मार दीजिए। ये सारा और कॉलम क्रॉस हो गया, ये सारी रो क्रॉस हो गई, ये रो और ये कॉलम क्रॉस हो गया। तो अब हमारा जो है फर्स्ट पास हो गया है, तो हमने जो फर्स्ट पास हो गया है अब हम सेकंड पास की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हम प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हैं, ये जो होना था इसका कर चुके, जैसे क्रॉस आउट कर दिया, ये हम कर चुके हैं, इसे भी क्रॉस आउट कर दीजिए, ये स्किप किया था। अब इसे हम दोबारा एक बार स्टडी कर लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एम एंड एन इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एन एंड क्यू। एन यहां पे है, क्यू यहां पे है, इनमें कितने बंदे हैं, तीन। तो इसका मतलब एम और एन में कितने हुए, दो। सो एम और एन में दो बंदे होंगे, तो एन यहां पे है, तो एम और देखिए एम या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, पर दो बंदे होंगे तो वो तो यहां तो फिर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब उसे यही होना है। तो यहां टिक मार लीजिए, और यहां टिक मारा है तो इसकी पूरी कॉलम को और इसकी पूरी रो को क्रॉस आउट कर दीजिए। तो ये आपका सीन हो गया पूरा। उसके बाद ये जो अगली स्टेटमेंट है ये हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए और क्या है, वो कहता है आर एस बर्थडे आफ्टर एस। तो अब काफी चीजें क्रॉस आउट हो चुकी हैं, आर का बर्थडे एस के बाद है, तो आर के लिए एक ही जगह बचती है, वैसे भी हम देख पा रहे हैं कि एक ही जगह बची हुई है, बची ही एक जगह है, तो इसे टिक मार दीजिए, इसका ये क्रॉस कर दीजिए, और जो एस है वो इधर होगा क्योंकि उसका बर्थडे आर का एस के बाद है, तो एस यहां होगा, तो इनके रोज और इनके कॉलम्स को क्रॉस कर दीजिए। तो अब ऐसा करने पे क्या बचा, सिर्फ टी बचा, यहां अपने आप क्रॉस टिक लगा लीजिए। तो ये इस तरह से ये सारी की सारी ग्रिड है वो सॉल्व हो जाती है। तो थोड़ा वीडियो में कई बार तेजी से समझ नहीं भी आता, तो इसको अगर आप आराम से देखोगे तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। चलिए नेक्स्ट पजल की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ऑल हैव डिफरेंट एजेस 14 16 17 19 21 23 जो भी उनकी एजेस हैं, नॉट इन द सेम ऑर्डर, बी इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो वो एक्सट्रीम एंड पे बता रहा है, तो ऐसे केस में ब्लाइंड स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो हम उसको बी को लेफ्ट एंड पे मान के चलते हैं, कहीं फंस गए तो हम वहां से फिर उसको राइट एंड पे मान के फिर से एक बार दोहरा लेंगे, तो ये तो करना ही पड़ेगा इसमें। तो इसे हम पजल को पहले लिख लें सारी। तो ये सारा पजल का क्वेश्चन, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, थ्री पर्सन आर, एक एक करके स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लीजिए, रोज ड्रॉ कर लीजिए जहां जहां वो बैठ सकते हैं, और बी जो है वो हमारा लेफ्ट एंड पे है, तो वहां से हम उसका ब्लाइंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं थ्री पर्सन आर बिटवीन बी एंड 16 ईयर ओल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 ईयर ओल्ड की प्लेसमेंट कर सकते हैं हम, 16 ईयर ओल्ड यहां आ गया, तो बी और 16 के बीच में तीन लोग हैं, बी यहां पे कॉर्नर पे मान ही लिया है, तो 16 वाला यहां पे होगा। उसके बाद कह रहा है 23 ईयर ओल्ड सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू, स्किप मार देते हैं इसका अभी कुछ हम कह नहीं सकते, तो इसको अभी अगली बार में स्टडी करेंगे। क्यू सिट्स राइट ऑफ 16 ईयर ओल्ड बट नॉट इमीजिएट। तो क्यू जो है वो 16 साल के राइट साइड पे है, पर उसका इमीडिएट राइट नहीं है। तो अब तीन में भी इसका जिक्र था, तो 23 ईयर ओल्ड सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू, और क्यू सिट्स राइट ऑफ दिस। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो क्यू है वो यहां पे आना चाहिए। ये भला हमने कैसे कंक्लूड किया, देखिए दोबारा देखिए इसको, क्यू सिट्स राइट ऑफ 16 ईयर ओल्ड, मतलब क्यू को इस तरफ होना है, क्यू या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, अभी वो बोल रहे हैं बट नॉट इमीजिएट, तो मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये उसने बोला ना नॉट इमीजिएट, तो क्यू या तो यहां पे है या यहां पे है। अब उसने बोला है 23 ईयर ओल्ड सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू, इसका मतलब क्यू के एक छोड़ के 23 वाला हुआ,
तो अगर मैं Q का एक छोड़ूंगा, Q यहाँ पे है तो 23 वाला यहाँ आ सकता है, लेकिन अगर मैं Q को यहाँ मानता हूँ तो 23 वाले को 16 पे बैठना पड़ेगा, जो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया है कि जो Q है वो इस कॉर्नर पे होगा और 23 वाला वो यहाँ पे होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वो कंक्लूजन से निकालने पड़ते हैं, तो मेरे को ये कभी बड़ी बात लगी नहीं है, मतलब आराम आराम से अकेला बंदा करेगा तो और जल्दी हो जाता है। अब आगे पढ़िए, वो कह रहा है टू पर्सन सिट बिटवीन 23 ईयर ओल्ड एंड डी, 23 और डी के बीच में दो लोग बैठते हैं। अब डी इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो जगह ही खत्म हो जाती है, तो डी को आप प्लेस कर लीजिए, डी यहीं पे होगा, तो क्योंकि ये एक और एक दो बीच में आ जाएंगे, 23 और डी के बीच में दो बंदे आ गए। आगे चलिए, थ्री पर्सन सिट बिटवीन 26 ईयर ओल्ड एंड सी, 26 साल और सी वाले के बीच में तीन लोग हैं, सी सिट्स राइट ऑफ द 26 ईयर ओल्ड, नाइदर बी नॉर डी इज 26 ईयर्स, तो ये वो 26 वाला नहीं है, ये वो नहीं है, तो सी को हम प्लेस कर सकते हैं। सी को हम कैसे प्लेस कर रहे हैं कि देखिए 26 और सी के बीच में तीन लोग हैं, 1, 2, 3, ठीक है ना, 26 यहाँ हुआ तो सी यहाँ हुआ, सी सिट्स राइट ऑफ 26, तो इस तरह से हम प्लेसमेंट इसकी कर सकते हैं। आगे, नाइदर बी नॉर डी इज 26, ये 26 नहीं है, ये 26 नहीं है, तो कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहां इसके तीन लेफ्ट पे खाली हो। तो ये अगर आप मानो तो सी के तीन लेफ्ट पे 1, 2, 3 ये खाली हो सकते हैं, सी यहां तो हो नहीं सकता, लेफ्ट पे तीन खाली होने हैं, यहां हो नहीं सकता, यहां भी नहीं हो सकता ना, यहां तो हो ही नहीं सकता कि तीन उसके इधर खाली होने चाहिए, और ये 16 के तीन आप यहाँ खाली छोड़ेंगे तो बी, उसने पहले कह रखा है कि बी वो नहीं है 26 वाला, तो वो यहाँ सी नहीं हो सकता। तो अब यह क्या है, अब सी या तो यहाँ है या यहाँ है, यहाँ अगर आप सी को बिठाएंगे तो वो डी को होना पड़ेगा, देखिए ना, सी अगर यहाँ माने तो 1, 2, 3 तो डी को होना पड़ेगा 26, वो ऑलरेडी कह चुका है कि ना बी ना डी 26 साल का है, तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि सी यहीं पे 23 साल वाला और सी एक ही बंदा है। तो इसको थोड़ा सा आराम से देख लीजिएगा। आगे चलिए, तो ये 26 हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द नेबर्स ऑफ डी इज 5 ईयर्स, द ओल्डेस्ट इज नॉट ए नेबर ऑफ डी, तो डी के जो अगल बगल बैठे हैं उनकी उम्र में फासला 5 साल का है, तो 26 एक बंदा बैठा हुआ है डी के साइड में, तो 26 में 5 जोड़िए या तो 31 होगा, इधर 31 यहां पे ओल्डेस्ट है तो 31 हो नहीं सकता, 26 में 5 निकालिए 21 ही बचता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी के यहां पे है वो 21 साल वाला बंदा बैठा हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं, डी इज नॉट द ओल्डेस्ट, स्किप मार देते हैं, ये अगले बार में हम चेक कर लेंगे। पी सिट्स टू द राइट ऑफ 31 ईयर ओल्ड, 31 साल वाला जो भी है उसके राइट साइड पे पी बैठा है, और अगर आप उसको डी के साथ मिला लें, डी 31 का नहीं है, तो पी सिट्स टू द राइट ऑफ 31 ईयर ओल्ड, सो बी मस्ट बी 31। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूं, देखो ये 31 का नहीं है, ये 31 का नहीं है, और डी वैसे ही नहीं है क्योंकि वो ओल्डेस्ट नहीं है, ये 31 का नहीं है, ये 31 का नहीं है, तो 31 का या तो ये है या ये है और या ये है। अब वो कहता है पी सिट्स टू द राइट, अब पी सिट्स टू द राइट, अगर ये 31 का है तो पी यहां हो सकता है, और अगर ये 31 का है तो पी यहां नहीं हो सकता क्योंकि क्यू बैठा हुआ है, तो इसका और यहां तो होने का संभावना है ही नहीं है क्योंकि उधर लाइन ही खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब साफ हो गया कि डी की आपका जो बी है वो 31 साल का होना चाहिए, अगर वो 31 का हुआ तो 26 अपने आप पी बन जाएगा, तो यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमारे हिसाब से आनी चाहिए, ये कंक्लूजन तो यही बताता है। अब आगे पढ़िए, मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन 31 ईयर ओल्ड एंड 19 ईयर ओल्ड, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा लोग बैठते हैं, 2, 3, 4, तो इसको हम अभी कुछ ना करें, अगले स्टेप को देख लेते हैं, फिर बाद में जो स्किप कर रहे हैं उनको हम बाद में चेक कर लेंगे। ए सिट्स सेकेंड राइट ऑफ आर, तो ए सिट्स सेकेंड राइट ऑफ आर का मतलब है
कि ये तो ए हो नहीं सकता, बी है, यहाँ पी है, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, ए या तो यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, ये तीनों में से पोजीशन एक ही हो सकती है। वो कहता है ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, इसका मतलब ए के एक छोड़ के आर की जगह होनी चाहिए, तो यहाँ तो पी बैठा हुआ है तो यहाँ ए नहीं हो सकता, यहाँ एक छोड़ के डी बैठा हुआ है तो ए यहाँ नहीं हो सकता, तो शर्त यह बात है कि आर को यही होना है तो ए को यही होना है। अगर ए यहाँ पे हुआ तो आर एक जगह छोड़ के यहाँ पे 16 साल वाला है वो आर है। कंक्लूजन आप चेक कर लेना थोड़ा आराम से बाद में। तो ये इस हिसाब से हमारा जो वो ए और आर की प्लेसमेंट इजीली हम कर सकते हैं। आगे बढ़िए, तो पहला पास हो गया। अब दसवीं स्टेटमेंट पे वापस चलिए। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन 13 ईयर ओल्ड एंड 19 ईयर ओल्ड, 31 और 19 वाले के बीच में एक से ज्यादा लोग बैठते हैं, तो एक से ज्यादा, तो ये डी तो हो नहीं सकता फिर, क्योंकि एक ही बंदा है 31। तो अब वो देखिए थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आ रहा है, मुझे लग रहा है कि डी इज नॉट 19, तो डी इज नॉट 31 बिकॉज ऑफ 8, डी 31 भी नहीं हो सकता, वैसे बी ऑलरेडी 31 हम बना ही चुके हैं, सो डी क्या होगा, 14 या 17 में से एक डी की एज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 31 एलोकेटेड है, 26 एलोकेटेड है, यहीं से मैं देख रहा हूं, 21 एलोकेटेड है, 23 भी एलोकेटेड है और 16 भी एलोकेटेड है, ये कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 31, 26, 23, 21, 16, तो 14, 17 और 19, ये तीनों में से डी को एक होना है और डी 19 हो नहीं सकता क्योंकि 31 और 19 वाले के बीच में एक से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब हुआ कि डी 14 या 17 में से एक होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि डी की दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, 14 और 17। तो यहां आप 14 या 17 इसको ऐसा लिख लें। अब इनमें कौन बचता है, बी पी डी आर सी ए क्यू सब तो हो गए, तो एक एस बचता है, इसका मतलब जो एस है वो 21 की जगह पे होना चाहिए, एस यहां पे होना चाहिए क्योंकि बचता ही एक अक्षर है। और अब ए और क्यू, और क्योंकि डी ने एम्बिग्यूटी दे दी है, 14 या 17 में से एक ही हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ए और क्यू जो हैं इनकी एजिस का कुछ हम यहां पे डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। अब बात रहती है कि जो स्टेटमेंट्स हमने स्किप करी हैं उनकी वेरिफिकेशन एक बार कर लें। 23 ईयर ओल्ड सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू, तो सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू में 23 ओल्ड सही है, इसका मतलब ये बात हमारी वेरीफाई हो गई। आगे हमने स्किप की थी डी इज नॉट दी ओल्डेस्ट, वो तो उसने हमें बता दिया था, उसको यूज भी हम कर चुके हैं, तो ये मसला भी सॉल्व हो गया। और यहाँ पे एक ये था मोर देन वन पर्सन, ये भी हमने, तो हमने सारी स्टेटमेंट सॉर्ट आउट कर ली हैं। तो अगर हम पी को इस साइड बांध के हम चलते हैं तो हमारी इस तरह की कुछ अरेंजमेंट आती है कि डी 14 या 17, ए और क्यू में कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो अगर आप बी को इस साइड से शुरू करके मानेंगे, वो आप खुद करके देख लीजिए एक बार, तो एक बार बीच में जाके आप फंस जाएंगे, तो वो मैं अब यहाँ नहीं कर रहा, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना। तो इस तरह से ये हम इनको बेसिकली टैकल करते हैं। और बहुत बार मैंने देखा है कि ये जो आपकी ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट वाली प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इस टाइप का ब्लाइंड स्टार्ट करना ही पड़ता है, इसका ख्याल रखें। सो विल क्लोज इट राइट नाउ, तो इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं, तो विल क्लोज इट राइट नाउ। थैंक यू।